राहुल वैद्य फेमस सिंगर हैं जिन्होंने कई सिंगिंग शोज में हिस्सा लिया और उन्हें जीता भी। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं राहुल वैद्य के करियर के बारे में, शुरू से लेकर राहुल वैद्य का बिग बॉस 14 तक का सफर कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल वैद्य एक फेमस सिंगर के साथ साथ एक अच्छे एंकर भी हैं। राहुल वैद्य का जन्म 23 सितंबर 1987 को भारत के नागपुर में हुआ। राहुल वैद्य ने अपने करियर की शुरुआत एक सिंगर के तौर पर सिंगिंग शो इंडियन आइडल के सीजन 1 से की। इसमें राहुल वैद्य शो के फाइनलिस्ट भी रहे। इसके बाद राहुल वैद्य ने कई सिंगल्स और एल्बम्स में भी गाना गाया। राहुल वैद्य ने हेलो मैडम, गॉड प्रॉमिस दिल, चुनर चुनर, रेस 2 का गाना बे इंतहा, ऑल इज़ वेल का गाना बातों को तेरी, भाग जॉनी का गाना मेरी जिंदगी और ऐसे ही कई और भी गाने गाए। इसके अलावा राहुल वैद्य ने एक डांस शो आजा माही वे भी होस्ट किया। राहुल वैद्य ने शो को जीता और वही सुपरस्टार में भी इन्होंने शानदार जीत हासिल की। इसके अलावा भी राहुल वैद्य ने कई सारी अन्य फिल्मों में गाना गाया और कई शोज में भी हिस्सा लिया। इसके बाद अब 2020 में राहुल वैद्य को बिग बॉस का ऑफर आया है जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और अब राहुल वैद्य बिग बॉस 14 में नजर आएंगे। तो अब आगे बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य की जर्नी कैसी होती है ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।